अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है साइंस। आप सबको यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। ये पिक्चर जो है एक बॉय की पिक्चर है और इसमें जो आपको ये इस पिक्चर में जो आपको ये वाला पार्ट्स नज़र आया है ये हमारा क्या है, हैंड। इसे हम हैंड कहते हैं। इसी तरह आपको एक ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसे हम आई कहते हैं। और यहाँ ये भी एक पार्ट है, इसे हम लेग कहते हैं। ये जो सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जब ये एक जगह मिल जाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं बॉडी, यानी कि जिस्म। तो आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2, आवर बॉडी। ठीक है, अब हम दोबारा इस पिक्चर पे आ जाते हैं। जो मैंने आपको इसके जो पार्ट्स बताए थे, अब मैं आपको इसका काम बताती हूँ कि इन पार्ट्स से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले हमारे पास है हेयर, उसके बाद हमारे पास हेड, उसके बाद है आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के काम आती है। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो आप किसकी मदद से देख रहे हैं, आई की मदद से। अगर आपकी आई नहीं होती तो क्या आप देख सकते। अब नीचे आते हैं तो ये क्या है, नोज़। नोज़ की मदद से हम किसी भी चीज़ की स्मेल को सूंघ सकते हैं। किसकी मदद से, नोज़ की मदद। इसी तरह हम नाक से सांस भी लेते हैं। उसके बाद माउथ। माउथ से हम क्या करते हैं क्लास, अब अपने मुंह से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को खाने के लिए आप मुंह को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नीचे है नेक, और उसके बाद है आर्म्स। आर्म्स क्या होती हैं क्लास, हाथ को हम आर्म्स कहते हैं। और जिस तरह ये जॉइंट है जिससे हम हाथ को मूव करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एल्बो। अब आगे आते हैं फिंगर्स। यहाँ के ये मेरी फिंगर्स हैं। आप अपनी फिंगर से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने में आप फिंगर की मदद लेते हैं। जैसे मैंने चॉक पकड़ी हुई है, किससे पकड़ी हुई है, फिंगर से। इसी तरह आपके घर में कंप्यूटर वगैरह है, आप टाइपिंग करते हैं किससे, फिंगर्स से। उसके बाद हम आते हैं नीस, ये जो पाँव में हमारा जॉइंट होता है इसे हम कहते हैं नीस। उसके बाद आती हैं लेग्स। लेग्स से हम क्या करते हैं, लेग्स हमारे भागने दौड़ने के काम आती हैं, या हम अगर कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो हमें चलने फिरने के काम आती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के काम आती हैं। उसके बाद है फुट, यानी कि पाँव। ये सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और हर पार्ट्स का एक अलग फंक्शन होता है, एक अलग काम होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको यूनिट समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।